कोरोना संकट के बीच वॉरियर्स के रूप में डटकर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के हित के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में अपनी परवाह किए बगैर कार्य कर रहे शासकीय कर्मचारियों को बीमा का लाभ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने फील्ड में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए बीमा की व्यवस्था की है। महंगे स्मार्टफोन के बाजार में निर्माता कंपनी एप्पल की एक अलग धाक रही है। देश के साथ ही साथ दुनिया भर में लग्जरी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एप्पल को जाना जाता है। वहीं शेयर बाजार के क्षेत्र में एप्पल 2000 अरब डॉलर की पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। बता दें कि इससे पहले एप्पल 1000 अरब डॉलर की बाजार हैसियत के मामले में पहली कंपनी थी। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय बचा है। इस चुनाव में अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों का भी काफी योगदान रहने वाला है। इस बीच व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि अमेरिका हमेशा भारत के लोगों का भरोसेमंद मित्र रहेगा। उसने दोहराया कि अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पृष्ठभूमि में ट्वीट किया, हम भारत में हमारे मित्रों को बधाई देते हैं जिन्होंने हाल में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग ने कहा कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट घृणा भाषण और झूठी जानकारी संबंधी कंपनी की नीतियों का उल्लंघन करती है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। फेसबुक ने 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने मन से दुष्प्रचार रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में विवादास्पद कंटेंट को रोकना शामिल है। देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए 18 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के इस कॉन्टेस्ट में सेमीफाइनल में पहुँचने वाली 100 टीमों को रिवॉर्ड के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वही फाइनल में पहुँचने वाली 25 टीमों को रिवॉर्ड के तौर पर कुल 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा फिनाले में आने वाले 10 टीमों को कुल 2.30 करोड़ रुपए का सीट फंड दिया जाएगा और 12 महीने तक इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाएगा। भारत के पूर्व गोलकीपर भास्कर मैती का नवी मुंबई अस्पताल में बुधवार को मस्तिष्क रक्त स्राव के कारण निधन हो गया। वो 66 वर्ष के थे। मैती के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनके पारिवारिक मित्र शशिकांत प्रसाद ने न्यूज एजेंसी से कहा कि मैती वाशी में MGM अस्पताल में शाम करीब 6 बजे मस्तिष्क रक्त स्राव के बाद उनका निधन हो गया। काउंसिल ऑफ आर्टिक सेक्टर द्वारा नेशनल एप्टीट्यूड इन आर्टिक सेक्टर 2020 परीक्षा के एडमिट कार्ड 24 अगस्त को रिलीज किए जाएंगे। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने इस साल आर्टिक सेक्टर परीक्षा के लिए इनरोल कराया हो वो रिलीज हो जाने के बाद नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए नाटा की आधिकारिक वेबसाइट का एड्रेस भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज गुरुवार से शुरू हो रहा है। कोरोना को देखते हुए कई खास प्रबंधन किए गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने भी एक साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसका संकेत गुरुवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में दिया। अखिलेश ने कहा कि सरकार को कोरोना से लेकर बेकारी और बेरोजगारी तक के मुद्दे पर जवाब देना होगा। दिल्ली NCR में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। कल रात भर दिल्ली NCR में बादल बरसते रहे और गुरुवार यानी आज सुबह से बारिश का ये सिलसिला जारी है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जल भराव की मुसीबत ने दिल्ली वालों की टेंशन दोगुनी कर दी है। COVID-19 महामारी के बीच KBI प्रीमियर लीग CPL के मुकाबले जारी है। CPL का आयोजन इस साल खाली स्टेडियम में हो रहा है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान ये पहली बड़ी T20 लीग है जो खेली जा रही है। मैच के दौरान मैदान पर खिलाड़ी भी खास एहतियात बरत रहे हैं। लीग के चौथे मुकाबले के दौरान KBI तेज गेंदबाज कीम पाल खास तैयारी के साथ उतरे। गयाना एमजेन वॉरियर्स GAW की ओर से खेल रहे 22 साल के कीमो पाल मैदान पर मास्क में दिखे। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद अमृता मलाइका से मिली करीना, सैफ भी थे साथ। करीना कपूर खान ने हाल ही में अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की खबर शेयर की है। अगले साल करीना की डिलीवरी होगी। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद करीना की और उनकी फ्रेंड अमृता अरोड़ा के घर के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान करीना कपूर के साथ उनके पति सैफ अली खान भी मौजूद थे।
देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। यह आंकड़े 59,652 है। इसी के साथ भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 28 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इससे पहले एक दिन में भारत में कोरोना के इतने मरीज कभी नहीं मिले। वहीं करीब 54,000 लोग इस महामारी की चपेट में आने के बाद जिंदगी की जंग हार चुके हैं। राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट बेहतर हो रही है और अभी तक करीब 21 लाख मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए मसीहा बन चुके सोनू सूद इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सफर मजबूर प्रवासी मजदूरों की मदद से शुरू हुआ था वह इतना व्यापक रूप ले चुका है कि सोनू देश की नहीं बल्कि विदेशों तक में फंसे हुए या मजबूर लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। मदद के लिए सोनू को रोजाना कितने लोग संपर्क करते हैं, इसका एक ब्यौरा एक्टर ने गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। भारत की आज़ादी के वक्त उनकी उम्र महज 3 साल थी। उन्होंने साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की विरासत संभाली। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। पटियाला के सेंट्रल जेल में बुधवार को कैदियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। कैदियों के एक जुट ने पुलिस अधिकारियों पर पत्थरबाजी कर दी। इसमें डीएसपी समेत 3 अफसर घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत अब स्थिर है। जानकारी के मुताबिक घटना तब घटी जब कारागार के उप अधीक्षक वरुण शर्मा औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। जांच के दौरान किसी बात को लेकर कैदियों के साथ उनकी बहस हो गई। इसके बाद कैदियों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच करेगी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए सीबीआई ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है जिसमें 4 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच का अधिकार सीबीआई को है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिहार में दर्ज की गई एफआईआर को सही माना है। सरकारी नौकरी के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी सीटी के जरिए, जब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए 454 स्टील ब्रिजों के निर्माण हेतु 1100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने तोमर को पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के लिए इन इलाकों में सड़क के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है।